दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों NISDLET के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कोर्स 504 और 505 की पूरी पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग कोर्स 504 का तीसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो कोर्स 504 का आ चुका है और कोर्स 505 का भी दो वीडियो आ चुका है, तो आज हमारा कोर्स 504 का तीसरा वीडियो होगा, जो कि इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के में जो है पढ़ाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बच्चों के लिए अधिगम के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे पहले हमने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और बच्चों में गणितीय अवधारणा का विकास देखा है। अभी यहाँ पर हम लोग आज जो देखेंगे वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान गणित का अधिगम, मतलब जो स्टार्टिंग का समय होता है बचपन का, उस समय में गणित का अधिगम कैसे कैसे होता है और क्या क्या उसके तरीके होते हैं, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों गणितीय अवधारणाओं के विकास के बारे में उपरोक्त चर्चा से आपके पास बहुत से विचार बच्चों के विकास के प्रारंभिक स्तर पर और विद्यालय के प्रारंभिक स्तर पर गणितीय अवधारणा सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के हो सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने देखा अवधारणाओं के विकास में, आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 504 505 दोनों का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमने थोड़ी बातें जानी है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग गणित के अधिगम के तरीके जानेंगे, जहाँ पर कि कहा जा रहा है कि गणित अधिगम का कोई एक और निश्चित तरीका नहीं होता है। ये मतलब कहते हैं ना कि किसी एक सवाल को आप चार तरीके से बना सकते हैं, उसी प्रकार से ये अपने अपने सोच पर निर्भर करता है कि उस चीज को आप कैसे लेते हैं। कोई 2+2+2+2 करके यहां पर 8 करते हैं, कोई 2×4 करके 8 करते हैं, तो ये आपके सोच पर निर्भर करता है। तो गणित अधिगम के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है, यहां तक कि अधिगम के प्रारंभिक अवस्था भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये स्टार्टिंग है या ये एंडिंग है। इस इकाई के में पूर्व में की गई चर्चा में आपने कुछ धारणाएं विद्यालय के प्रारंभिक दिनों में गणित अधिगम के प्रकृति के संबंध में बनाई होंगी। उसके अतिरिक्त यहाँ पर गणित अधिगम के प्रकृति के विशेषताओं से संबंधित कुछ बिंदु यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों में किस प्रकार से गणित का अधिगम कराया जाए। तो उसमें पहला बिंदु है कि बच्चों के स्कूल आने से पहले बच्चों की गणित अधिगम की स्थापना घर से प्रारंभ हो जाती है। तो घर में जैसे बच्चे मान लीजिए कि दो बॉल दिखते हैं तो 1 2 इस प्रकार से बच्चों को जन्म के बाद से ही जो है, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वहाँ से गणित की जो है वहाँ पर पढ़ाई बच्चों की इनडायरेक्टली रूप से शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि गणित समझ पर आधारित है, तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसी पर गणित आधारित होती है। गणित बच्चों के स्वयं के विधि द्वारा परिकलन और समस्या समाधान करने के प्रयास को बढ़ावा देता है कि अब अपना अंडरस्टैंडिंग है, अब उसमें किसी समस्या को किस प्रकार से समाधान करना है। चाहे वो आप मार्केट में जैसे कि बच्चे को, छोटे बच्चे को आपने 10 रुपये दे के कुछ खरीदने भेज दिया, एक मिनट के लिए मान लीजिए 5 साल 6 साल का कोई बच्चा है उसे खरीदने के लिए भेज दिया, तो उसे पता है कि उसमें से 4 रुपये वापस होंगे और उसे गिनने के लिए आता है। तो ये अपनी समझ और अपना जो समस्या समाधान का तरीका है उससे आता है। आगे है कि गणित को दुनिया की व्याख्या करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण समझा जाता है, इसलिए सभी पाठ्यक्रम का मूल वास्तविक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है गणित को पढ़ना चाहिए, तब जाके जो है गणित में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा अच्छा होता है। गणित बच्चे की प्रतिदिन की स्थितियों के अनुसार होना चाहिए, तो जिस प्रकार से बच्चों का रूटीन होता है, जिस प्रकार से उनकी दैनिक जो है दिनचर्या होती है, जो आसपास का पर्यावरण होता है, उससे रिलेटेड अगर गणित बच्चों को बताया जाए तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। गणित तर्क के साथ साथ जो है कार्य करने और करके सिखाने पर आधारित है। तो कोई चीज़ें मान लीजिए कि आप यहाँ पर 5 कुछ क्रियाकलाप अगर आप कराते हैं तो 5 कुछ दे दीजिए, उसमें से 2 छांटना है तो 3 बचा, तो इससे जो है ज़्यादा सीखने को मिलता है। गणित पेपर पर संख्याओं के योग पर कम बल देता है तथा मानसिक चित्रण के विकास पर अधिक बल देता है। मन ही मन सोचते हैं ना कि हाँ इसमें से इतना घटाया, इतना जोड़ा गया तो इतना हुआ, तो वो बच्चे बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट है कि गणित की अवधारणा में सिद्धहस्त होने के लिए अध्यापक और बच्चे के लिए मुख्य उपकरण भाषा है, ना कि पाठ्यपुस्तक के अभ्यास की पेपर और पेंसिल के द्वारा हल करना। तो ये मुख्यतः भाषा है, भाषा के माध्यम से इसे बताया जा सकता है अपनी समझ के आधार पे। बच्चे क्या कर रहे हैं यह बताने के लिए उन्हें उत्साहित किया जा सकता है कि वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट दिखाया जाए, उसे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया जाए जिससे कि बच्चे को करने में ज़्यादा मजा आए। त्रुटियां गणित अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, गलतियां तो होती है, जब बच्चा आलोचना के भय से मुक्त हो जाता है तब वो आसानी से प्रयोग करेगा। अगर उसे ये लगेगा कि अगर त्रुटियां हो जाती है तो फिर उससे कोई पनिशमेंट मिलेगा, तो इससे बच्चों का जो है ढंग से विकास नहीं हो पाता है। इसके आगे पॉइंट आता है यहाँ पर कि वस्तुओं का व्यवस्थीकरण,
तो जैसा कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि कुछ वस्तुएं के व्यवस्थीकरण के द्वारा बच्चा प्रारंभिक स्तर पर गणितीय कौशल को प्राप्त करता है। गणित कौशल को कौशलों को जैसे कि तुलना करना, वर्गीकरण करना, गिनना, चार मूलभूत संक्रियाएं प्राप्त करना, जोड़ घटा गुणा भाग, तो ये सब चीज़ें जो है मूर्त वस्तुओं के व्यवस्थीकरण के बिना संभव नहीं है। तो उसको सिस्टमेटिक रूप से आपको बताना पड़ेगा, एक एक चीज़ करके, तब जाके वो जो है बच्चों के समझ में आती है। आप बच्चों को परिचित वस्तुओं और नई वस्तुओं को देखने, अवलोकन करने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता दें, उन्हें फ्रीडम दें कि वो जो है नई चीज़ों का वो देख सके, नई चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ सके। इससे बच्चों में कक्षा में गणित की अवधारणा को सीखने और समझने में आसानी मिलेगी। तो जब बच्चे कुछ नया ऑब्जर्वेशन करेंगे, नई बातें पूछेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो बच्चे मान लीजिए बहुत जो है कम लेवल का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ से बच्चों में नई नई चीज़ें समझ में आएगी। इसमें कहा जाता है कि अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करने की आवश्यकता है। तो वास्तविक स्थितियों में जहाँ गणित का वास्तव में उपयोग होता है, बच्चे बहुत आसानी से और जल्दी से जो है अनौपचारिक और प्रभावकारी विधियाँ सीख लेते हैं। समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जब बच्चे विद्यालय में आते हैं। अब घर पे बच्चे को एक गिलास पानी लाओ, बच्चे लेके आ जाते हैं, दो गिलास लेके आओ, दो आदमी हैं तो दो लेके आ जाते हैं, तो वहाँ तक उनका अनौपचारिक ढंग से ठीक रहता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं, परेशानी तब से शुरू होती है और उन्हें पेन पेपर पेंसिल पर जो है जब काम करना पड़ता है, तब जाके जो यहाँ पर असली चीज़ें शुरू होती है और वास्तविकता जो है वहाँ पर दिखती है, और उसी प्रकार से जो है समस्याओं का जो है वहाँ पर जो समस्याएं भी शुरू होती है, फिर उसका वहाँ पर समाधान भी निकाला जाता है। तो दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में बच्चों को कई ऐसे अवसर मिलते हैं जिनमें गणित का समावेश होना और ऐसे क्रियाकलापों में बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मिठाई बांटकर खाते हैं, बच्चों को आपने दे दिया मिठाई का पैकेट, उसमें 10 मिठाई है, 4 लोगों को बांट दिए, तो बच्चे बोलेंगे कि इसमें 6 मिठाई बचा है। तो इस प्रकार से ग्रुप बनाना, या वहाँ पर जो है विद्यालय में किस दिन छुट्टी है उसका पता लगाओ, तो वहाँ से बच्चे डेट देखेंगे, बच्चे को आप टाइम देखने बोलिए। तो ये सब एक्टिविटी करा के आप बच्चों को जो है गणित से जोड़ सकते हैं। बच्चों को उनकी वास्तविक समस्याओं को प्रसंग के अनुसार हल करने, उनको गणितीय योग्यता और समझ शक्ति को विकसित करने के लिए उनकी सहायता की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऐसे स्थितियों पर कम निर्भर हों। इस प्रकार की विधि या अवधारणा को अन्य अर्थपूर्ण स्थितियों में बच्चों के सम्मुख प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आगमन के प्राकृतिक विधियों के द्वारा बच्चे प्रासंगिक और अप्रासंगिक को अलग करने के योग्य बनते हैं और अंततः अपने लिए विधि और अवधारणा के आवश्यक तत्व का सार निकालने के योग्य हो जाते हैं। तो बच्चे किसी चीज़ को सीखते हैं, उसके बाद उसकी अर्थभावना अवधारणा बनाते हैं, उसके लिए अपना एक मोटिव बनाते हैं और वहाँ से उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसी हिसाब से उसमें इंटरेस्ट जगता है, तो वहाँ से जो है बच्चे फिर आगे सीखना प्रारंभ करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि विभिन्न तरीकों में यहाँ पर निरूपण होता है। तो एक और महत्वपूर्ण तत्व जिसमें बच्चे की सहायता करना आवश्यक है, वो है बच्चों को गणित में अमूर्त सोच की ओर बढ़ने के लिए निरूपण क्षमताओं के विकास में सहयोग करना। जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि वस्तुओं, घटनाओं या विधियों को जैसा किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है, उसका मानसिक छवि बनना ही मानसिक निरूपण या केवल निरूपण कहलाता है। तो मतलब कोई चीज़ को अगर आपने अच्छी दृष्टि से देखा है, अगर मान लीजिए कि बचपन में बोला जाता है कि खा लो नहीं तो डॉगी आ जाएगा, तो यहाँ पर एक दिमाग में बैठ जाता है कि डॉगी कुछ ऐसा चीज़ है जिससे कि डर लगना है। तो वो चीज़ें हैं कि जिस प्रकार से आपकी मानसिक छवि जिस चीज़ के बारे में जैसी बनेगी, उस हिसाब से जो है बच्चों में सोच विकसित होती है। तो यह एक स्थापित तथ्य है कि बच्चों को गणित समस्याओं, विधियों और प्रक्रियाओं को अपने ढंग से निरूपण करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद ही उनका परंपरागत प्रतीकों से परिचय कराना चाहिए। यह स्पष्ट है कि यदि बच्चे को गणितीय समस्याओं को हल करने के योग्य और विश्वस्त बनाना है, तो उन्हें उनको खुद को तथा अन्य को भाषा और गणितीय चिन्हों के माध्यम से गणित का निरूपण करने के योग्य बनाना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मन में आप जोड़ सकते हैं, 2 + 2 = 4, 2 और 2 = 4 हुआ, लेकिन वहाँ पर जब लिखना है तो वहाँ पर आपको प्लस का साइन लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, इन सब चीज़ों की यहाँ पर जानकारी होनी आवश्यक है। कई गणित शिक्षाविद यह भी मानते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपनी गणितीय सोच को भाषा के माध्यम से बातचीत करके अभी व्यक्त करें और उसके बाद ही जो है उसे पेन पेंसिल का और गणितीय चिन्हों का सहायता लें। तो मतलब पहले अगर वो बोल के समझते हैं तो फिर उन्हें लिखने के लिए आसानी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जेम्स ने बर्नर तथा अन्य के भाषा और विचार के बीच के संबंधों
पर कार्य की समीक्षा करते हुए एक गणितीय प्रक्रिया का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने करो या बात करो और उसके बाद रिकॉर्ड करो। तो पहले किसी चीज़ को आप करिए, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करिए, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करिए। ये यहाँ पर जो है क्रम चलाने के लिए वहाँ पर उसमें जो है उस नियम के हिसाब से कहा गया। इसमें यहाँ पर जो रिकॉर्ड को रखने के लिए पांच क्रमिक एक्टिविटी का यहाँ पर अनुसरण करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले वे अपने विचारों की दूसरों के समक्ष व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रैक्टिकली बोलेंगे कि हाँ, ये हमारा विचार है, इस प्रकार से हम इस कार्य को करने वाले हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा है कि वे अपनी अपनी मानसिक छवियों को वस्तुओं या चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो चीज़ उनके दिमाग में उसको लेके बनी हुई है, उसको वो जो है वस्तुओं के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए दो बॉक्स है, तो यहाँ पे दो बॉक्स हुआ, फिर तीन बॉक्स आया, तो इस प्रकार से वो चित्रों या वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद तीसरा होगा, वे अपने बनाए गए चित्रों या कहानी लिखकर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो उन्होंने काम किया उसे वो लोग पहले लिखेंगे, तीसरे ऑप्शन में। चौथा यहाँ पर पॉइंट है कि वे अपनी इस्तेमाल की गई विधियों का उत्तरोत्तर संक्षेपण करते हैं। तो फिर वहाँ पर जो विधि इस्तेमाल किए थे उसका वो सारांश एक तरह से कहिए, या उसके बारे में विवरण कहिए, जो है संक्षेप रूप में करते हैं। अंत में वे मानक विचारों की प्रासंगिकता तो देखते हैं और अपना सकते हैं। तो वहाँ से जो जब वो एक तरह से सारांश लिख चुके हैं, उसकी बातों को डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है उनसे उनको समझ में आती है कि अच्छा, ये काम हमने ऐसे किया था, तो यहाँ से आगे इसे नेक्स्ट लेवल पे किस तरीके से ले जाना है। तो वहाँ से वो जो है अपने मानक विचारों की प्रासंगिकता को देख सकते हैं कि वहाँ से उनके मन में जो अवधारणा किसी चीज़ को लेकर बनी हुई थी, क्या वो वैसी ही थी या उसमें कुछ परिवर्तन है। यहाँ पे अगला पॉइंट कहा जाता है कि वैकल्पिक रणनीति का विकास करना। तो जब बच्चे निरूपण का निर्माण करते हैं, ये मतलब कि नई नई चीज़ें अपने दिमाग में बिठाते हैं या उसके बारे में कोई अवधारणा बनाते हैं, तब वे गणितीय समस्या के समाधान के लिए पाठ्यपुस्तक में समस्या हल करने के निर्दिष्ट तरीकों के अलावा नई तरीकों का विकास कर सकते हैं। तो जो अब मान लीजिए पाठ्यपुस्तक में कोई तरीका दिया हुआ है, उसके अलावा वो कुछ तरीकों का विकास कर सकते हैं। एक बच्चा अपने तरीके से गणना करने की विधि का विकास कर सकता है, जोड़ने, वही जो अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था, जोड़ने के लिए बच्चे अलग 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 तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई उंगली पर जोड़ते हैं, कोई माइंड में जोड़ते हैं, कोई किसी और तरीके से जोड़ते हैं, तो ये उसका विकास वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस धारणा की उत्पत्ति उन बच्चों का अवलोकन करने के पश्चात हुई जब ऐसे बच्चे को भी जो कभी विद्यालय नहीं गए और दैनिक जीवन की आवश्यकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की गणना अपने ढंग से करते पाए गए, जो कि पाठ्यपुस्तक में दी गई विधि से भिन्न है। तो मान लीजिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी आप देखिए कि छोटे बच्चे काम में लग जाते हैं, उन्हें भी पता होता है कि उन्हें जो है कितना ये देना है, कितना लाना है, कितना वापस करना है, हर एक चीज़ उनको पता रहता है। तो उनकी एक अलग विधि रहती है, वो पाठ्यक्रम की विधि से पूरी तरीके से अलग है, ये बात आप भी मानेंगे। आगे की औपचारिक और अनौपचारिक विधियों के बीच में संबंध की कमी है, बच्चों में विद्यालय गणित के प्रति अरुचि और विश्वास खोने का मुख्य कारण है। तो अब क्या हो रहा है, मान लीजिए घर में आपको या नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कुछ बताया गया कि अरे देखो वहाँ पे चार पंछी उड़ रहे हैं, इधर चार पंछी उड़ रहे हैं, तो टोटल आठ पंछी उड़ रहे हैं, तो वहाँ एक बताने का अलग तरीका हुआ। वहीं पर जब आपको 4+4 स्कूल में करने दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग तरीका बताया जाता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो वो चीज़ें में यहाँ पर एक असमानता है, वहाँ पे जुड़ाव नहीं है। इस वजह से जो है बच्चे उसको जोड़ नहीं पाते हैं अपने दैनिक लाइफ से। नहीं तो अगर आप सोचिए कि जो बच्चे घर पे करते हैं या जो घर पे प्रैक्टिकल में या बाहर देखते हैं, वही चीज़ें अगर उनको लगेगा कि विद्यालय में भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट यहां से जगेगा। तो बच्चों के लिए सदैव नई नई रणनीति का विकास करना तो संभव नहीं है, लेकिन जब कभी भी बच्चा नई नई विधियों को लेकर आता है, तो उससे पुनर्बलन की आवश्यकता होती है और वैकल्पिक रणनीति की खोज करने का प्रयास कक्ष गतिविधियों में हमेशा करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। तो एक समस्या के समाधान के लिए विधि या संक्रिया के बारे में चर्चा करने के पश्चात बच्चे को कक्ष में चर्चा किए गए रणनीति का, वैकल्पिक रणनीति का मतलब उसके जो पढ़ाया गया उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसका भी और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से खोजने और सोचने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रायः गणित अध्यापक पाठ्यपुस्तक में दी गई औपचारिक विधियों के बारे में जड़ होते हैं और उसे हटकर थोड़ा भी विचलन की आज्ञा नहीं देते, मतलब जो तरीका अपनाया जा रहा है विद्यालय में बस उसी में पढ़ो, ये चीज़ उसमें उनका कहना होता है, तो उससे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा। आगे है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करना।
तो गणित की समस्या को हल करना और समस्या हल करने की विधि ये भिन्न है, फिर भी दोनों में काफ़ी समानता है। तो जो विधि है वो एक अलग है और उसको हल करने का जो समस्या का नॉर्मल प्रोसेस है वो अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में समानता है। समस्या को समझने में, समस्या को हल करने के लिए विभिन्न संभावित प्रक्रियाओं की जांच करने और समस्या का समाधान प्राप्त करने में बच्चों की समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, बच्चों को स्वतंत्र रूप से या समूह में बिना किसी प्रत्यक्ष सहयोग के समस्या समाधान करने के लिए उत्साहित करके दिया जा सकता है। तो बच्चे को आप पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए कि आप इसको अपने हिसाब से सोचो कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। बच्चों में समाधान करने की योग्यता को विकसित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के अतिरिक्त उन्हें समस्या प्रस्तुत करने के लिए भी उत्साहित करें कि उनके पास अगर कोई समस्या है वो उसे किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, वो कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चे खुद समस्या प्रस्तुत भी करेंगे और उसके समाधान के भी बारे में सोचेंगे, उनके कौशल का भी विकास होगा और नई नई जो मतलब उनके पास जो विधि है वो भी सामने आएगी। कभी कभी वो एक ऐसी चीज लेके आएंगे जिसको कि आप अपने विद्यालय के माध्यम से जोड़ सकते हैं, जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट जगेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर मेनली था, यहाँ से रिलेटेड जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा, जिसमें कि गणित अधिगम के तरीके को बताया गया। इसके बाद जो हमारा है वो गणित से भय है या गणित से भय को कैसे दूर करना है, ये सब चीज़ें वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब तरीके हैं जो कि थोड़ा बहुत आप गणित अधिगम के लिए अपना सकते हैं बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए कोई सुझाव या सलाह है तो, और शेयर करिए लोगों के साथ अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, तो जो भी नए मेहमान हैं वो वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आगे जो भी वीडियो आएगी, जो भी ट्यूटोरियल आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेगा। मिलेंगे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।